कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मृत्यु के पश्चात प्राणी को धर्मराज के दरबार में ले जाया जाता है। पृथ्वी लोक पर प्राणी जैसा भी कर्म करता है उसका विवरण हर रोज धर्मराज के वही में ऑटोमेटिकली फैक्स हो जाता है। छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? प्राणी को धर्मराज के दरबार में ले जाया जाता है। पृथ्वी लोक पर प्राणी जैसा भी कर्म करता है उसका विवरण हर रोज धर्मराज के वही में ऑटोमेटिकली फैक्स हो जाता है। जहां धर्मराज हर प्राणी का लेखा जोखा करते हैं, इसीलिए धर्मराज को 21 ब्रह्मांड का न्यायाधीश भी कहा जाता है। जीवात्मा को पेश किया जाए। इसने प्रायस्त्री के साथ दुष्कर्म और हत्या का पाप किया है, इसे नरक में डाला जाए। जो भ्रष्टाचार, चोरी, मदिरा पान, नशा आदि करते थे, पर स्त्री के साथ दुष्कर्म, पर पुरुष के साथ नाजायज संबंध और धोखाधड़ी, दो नंबर का काम करके कमजोर और असहाय लोगों का शोषण करना और मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, स्व
शास्त्र अनुकूल भक्ति न करके शास्त्र के विरुद्ध भक्ति करते रहे। कोई तत्वदर्शी संत को गुरु न बनाया। ये मुझे कहाँ ले आया? हे भगवान, मुझसे क्या गलती बन गई जो मुझे यहाँ लाया गया? हे दुष्ट प्राणी, जो भक्ति नहीं करता उसे यहीं लाया जाता है। लेकिन महाराज, ये मेरा मित्र रामचंद्र तो सारा दिन भक्ति करता रहता था। इसने तो गुरु भी बना रखा था महाराज, फिर इसे यहाँ लाकर इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है महाराज? इसने जो भक्ति की वो शास्त्र विरुद्ध थी और इसके गुरु भी ढोंगी और पाखंडी थे, जिनको नाम दीक्षा देने का कोई अधिकार नहीं था। अपनी मर्जी से गुरु बनने वालों को भी यही सजा मिलती है। माफ करना महाराज, मुझे ये बात पहले किसी ने नहीं बताई। अच्छा, तुझे पता नहीं चला? ये देख दुष्ट। देखो, ये तो सभी जानते हैं कि गुरु बनाना जरूरी होता है। मेरे सामने ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत तो है नहीं, और ना ही मुझे तेरी बातों में कोई दिलचस्पी। और आगे क्या हुआ, किसने देखा है? राहुल, कुछ काम बिना दिलचस्पी के भी करने पड़ते हैं। और जब आपको पता चलेगा कि सही भक्ति के बिना कितना कष्ट उठाना पड़ता है और नर्क में उस प्राणी को क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं, तब आपकी भक्ति में दिलचस्पी भी बनेगी और आपके ये व्यसन भी छूट जाएंगे। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। माफ करना महाराज, तो क्या मेरी बीवी का गुरु सच्चा है? हाँ, पूरी पृथ्वी पर केवल संत रामपाल जी महाराज ही नाम दीक्षा देने के अधिकारी और पूर्ण गुरु है। मेरा उनको नमन है। गलती हो गई महाराज, मुझे एक मौका दे दो महाराज, सिर्फ एक मौका। अब मैं गलती नहीं करूंगा भगवान, मुझे माफ कर दो भगवान, माफ कर दो मुझे। माफ? और तुझे? अरे दुष्ट आत्मा, तुझे तो घोर नरक में डाला जाएगा, ये देख। आ गई धक्के खाकर, शर्म तो तुझे आती नहीं है? शर्म? शर्म किस बात की राम? मैं कोई गलत काम करने गई थी, सत्संग में गई थी, और सत्संग में जाना धक्के खाना नहीं होगा। तुमने रोज रोज गई, क्या ड्रामा बना रखा? लेती और मुंह उठाकर चल देती है, क्या मिलता है तुम्हें वहाँ जाकर? जब तू बकवास करता घूमता था तब तेरी धर्म पर सत्संग में जाया करती थी, और फिर भी तूने क्या किया? तूने खुद तो भक्ति की नहीं, और उल्टा तेरी धर्म पर जो सद्भक्ति करती थी उसका तूने विरोध किया। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे माफ कर दो। चुप हो जा दुष्ट, तूने तो रावण से भी ज्यादा अपने कर्म खराब किए हैं। रावण खुद कैसा भी था, लेकिन उसकी धर्म पत्नी मंदोदरी जो सद्भक्ति करती थी उसका उसने कभी विरोध नहीं किया। नहीं महाराज, मुझे नर्क में मत डालो, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे महाराज, मुझे माफ कर दो। अभी नरक क्या, नरक के पाप तो कुत्ता गधा भी बनना पड़ेगा मूर्ख, ले जाओ इसे नरक में। रहम करो दाता, मुझे बख्श दो, एक मौका दे दो भगवान, बस एक मौका, छोड़ो मुझे। सबकी मदद करने वाला, सतभक्ति की सही राह बताने वाला, बहुत सारी आत्माएं तत्व ज्ञान को जानकर सतलोक चली जाएंगी। 13 कोटि में साख सुरता तो हे पति बुलावे हे, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे हे। अपने पति को भूल बावड़ी बैठिया राम सिंगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे
रही जा रहा करके अपने पति को भूल बावड़ी बैठिया राम संगर के काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रही जा रहा ते डर के मात पिता संतान संपत्ति में तू तो उड़ज गई घर के मिलना चाहे पति अपने ते बांध कफन सिर के। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के पश्चात यह आत्मा उस जगह चली जाएगी जहाँ की हर वस्तु कभी खराब नहीं हो सकती और वहाँ पर हमेशा कभी बुढ़ापा कभी नहीं आता, हमेशा युवा शरीर रहता है। सतलोक में चल मेरी सुरता ए मत ना लावे देरी सच कहूं ना झूठ रती भरी बात मान ले मेरी। कते मन मान सरोवर नान रे जल के जंतु रे जल माही आठों बखत बिहान रे आठों बखत बिहान रे मन मान सरोवर नान रे जल के जंतु रे जल माही आठों बखत बिहान रे। कि भाई मन नुक है मान सरोवर नाया करे, ऊपर जो सरोवर है सतलोक की तरफ चलते हैं ना, इस मृत मंडल में भी 21 ब्रह्मांड के अंदर भी मान सरोवर है सतलोक, जहाँ पे सतपुरुष साकार रूप में है जो कि इस समय संत रामपाल जी महाराज के रूप में धरती पर अवतार लेके आ चुके हैं जो कि हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति खोल के बता रहे हैं, शास्त्रों में उंगली रख के बता रहे हैं। जब ये शरीर छोड़कर जाता है तो परमात्मा के दरबार में जब इससे अकाउंट लिया जाता है तो ये क्या कहता है, भगवान मेरे को पता नहीं लगा, मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए था, भक्ति करनी चाहिए थी या नहीं थी। तो परमात्मा उलाहने में नहीं रहते, परमात्मा ये भी कसर नहीं छोड़ते, प्रत्येक गांव में प्रत्येक नगर में पूरी पृथ्वी पर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो इस बात से अपरिचित हो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा ने याद करो, यानी किसी ना किसी के मुख से उसने अवश्य कहवाया है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा ने याद करवाई। कोई गलती करता है पाप कर रहा है भाई भगवान से डर, मालिक ने याद करे, यानी इस तरह की प्रेरणा प्रत्येक प्राणी तक मालिक ने पहुँचा रखी होती है। फिर दूसरा ये होता है जैसे आप जी गए हुए हो, आप प्रत्येक भाई को बहन को मित्र को सहेली को कोई रिलेटिव है संबंधी उनसे अवश्य ये चर्चा करते हो कि भगवान की भक्ति करो और भक्ति का मार्ग ये है, वो भक्ति का साधना ठीक नहीं है। तो भले ही वो नहीं मान रहे हैं तो उनका दुर्भाग्य है, जब वो सच्चे दरबार में जाकर खड़े होंगे उनका कोई पुण्य उनके साथ होगा नहीं, क्योंकि भक्ति शास्त्र विरुद्ध है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते, मनमाने आचरण का अर्थ है जो अपनी मर्जी से लोक वेद के आधार पर सुनी सुनाई कथाओं के आधार पर ज्ञान के आधार से पूजाएं करते हैं, वो मनमाना आचरण कहलाता है जो वेदों और गीता में वर्णित नहीं है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो कोई सिद्धि होती है ना उनकी गति होती है ना कोई सुख होता है, यूजलेस। तो जो साधना आप कर रहे थे वो तो उनके पास साथ भक्ति धन हुआ नहीं और पापों की गठड़ी बंद गई पूरी, पाप बहुत इकट्ठे कर लिए क्योंकि पाप तो दिन में बिना गिनती के होते हैं और पुण्य करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, गुरु बनाना पड़े, फिर जैसे गुरु जी बताओ वैसे साधना, पूर्ण गुरु नकली गुरुओं से पूजा नहीं ना उनकी कोई द्वारा बताई गई साधना से लाभ होने वाला, तो ऐसे पूरा गुरु मिले फिर आप सच्ची लगन से सच्चे तरीके से लगे तब पुण्य बने,
तो पुण्य तक कोई उनका बना नहीं, पाप की गिठड़ी बंदगी। फिर वहां जा खड़ा हुआ धर्मराज के दरबार में। अब वहां ये एक बहाना बनाता है कि भगवान मुझे किसी ने बताया कोई नहीं, भक्ति कर ले। तब इसका फिल्म चलाता है परमात्मा, ये सब आप जो भी बातें जिसके साथ कर रहे हो वैसे कोई गुप्त का गलती कर रहा है, तो वो भी फिल्म बनकर भगवान के दरबार में पहुंच जाती है और एक आपके अंतःकरण में, आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है। तो जब ये वहाँ खड़ा होकर ये झूठ बोलता है, बहाना बनाता है, तो परमात्मा इसके कंप्यूटर से दुआ भगवान के दरबार में इसके नंबर का है ऑन कर देता है कि ले देख ये भक्त तुझे क्या कह रहा है, ये बहन तुझे क्या कह रही है कि भक्ति कर ले, तू क्या कह रहा है, फिर देखेंगे। किसने देखा है, ईब के भक्ति करने का टाइम से, बुढ़ा होकर भक्ति करूँगा। और भक्ति तने करी नहीं, बकवाद करता रहा। फिर ये कैसे कह रहा है कि मेरे को किसी ने बताया नहीं, फिर ये यूं कर लिया है नीची गर्दन। भगवान गलती बन गई बन गदा। अब गलती की सजा दूँ मैं, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं, जिस ही तू करेगा वैसा फल दे दूंगा। तेरा पुण्य होता तो स्वर्ग भेज दूँ, हो देवता बना दूँ, पुण्य नहीं है तो बन गदा। फिर ये कहता माफ़ करो भगवान, माफ़ करो परमात्मा। फिर धर्मराज कहता जब तुझे मनुष्य शरीर कभी प्राप्त हो तब तू भक्ति करना भाई, अब कुछ नहीं बना, जाइए। तो जब ये माँ के गर्भ में वहाँ से जब ये मानव शरीर प्राप्त करके चलता है, वहाँ के जो देव पुरुष हैं वो भी कहते हैं इस आत्मा को कि भाई इतना दाव लग गया और ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, पूरे संत की तलाश करिए। देवता भी पछता रहे हैं कि हमने तो गलती कर दी, हमें भी संत पूरा नहीं मिला, हमारी भी जन्म मृत्यु होगी और कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो पूरे संत ने ढूंढेंगे भाई, इन अधूरे संतों के आधार पर हमने भक्ति कर ली, हम पार नहीं हो पाए, हम फिर जन्म मृत्यु में। तो आने वाले मानव शरीर प्राप्त करने वाले को प्रत्येक नेक सलाह देते हैं कि तेरा दाव लग गया भाई, भक्ति करिए, बकवाद मत करना। तो वहाँ तो ये बिल्कुल पक्का होकर आवा है, माँ के गर्भ तक इसको याद रहता है। बाहर आते ही फिर ये तीन गुणों के प्रभाव से ये फूल जाता है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत वचन, ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला और परमात्मा की दया हुई ना इस काल के कोलों में, हमारे दादे मर गए, परदादे मर गए उसी परिवार पोषण में, और ये यहाँ तक लाने का कारण भी परमात्मा ही आपको प्रमेर कर रहा, सत्कर्मा लेना ना, ये कदम भी इधर नहीं चलने दे, काल इतना दुष्ट है, आपके ऊपर परमात्मा की मेर भरी नज़र न्यारी है जो यहाँ पहुँच रहा है, ये सत्कर्मा लेना। तो इसलिए पूरा ज्ञान सुनो, आपके हृदय में जो मैल है सारा साफ होगा, भगवान विराजमान होगा, सारे काम ठीक होंगे, आपका रोग कटेगा, आपको धन मिलेगा और मोक्ष मिलेगा, सतलोक चलेंगे, फिर जहाज में बैठकर चलोगे।